हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला द इजियर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़, जो कि हमेशा हम करते हैं, और साथ में हम 20 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के और अन्य जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को भी यहाँ पर कवर करेंगे, और टोटल मिलाकर के हम यहाँ पर 40 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू हैं ये आप हमारे साथ अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अभी एक और न्यूज़ आया है करंट में कि जो वीपीडीओ का एग्ज़ाम है उसको अब जो जो आर्ट्स स्ट्रीम है, चाहे साइंस स्ट्रीम है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम है, हर कोई जो स्नातक है वो उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और जल्दी ही यह फॉर्म आ जाएगा, तो आप उसको फिलअप करके और इसको भर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ट्रिपल सी का जो कंप्यूटर बेसिक का जो फॉर्म है उसको भी आप ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि यह इसके लिए नेसेसरी है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो के नीचे पे एक सब्सक्राइब बटन है आप उसको ज़रूर दबा दें, और उसके बाद जो आने वाला जो घंटी का बटन है उसको आप प्रेस कर दें, क्योंकि जो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली हम देते हैं तो वो आपको समय समय पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं इन कुछ पंक्तियों से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है आज का, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भाप संचालित ट्रेन चलेगी, यह ट्रेन कौन सी दो स्थानों के बीच में चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह है अहमदाबाद से साबरमती। तो 2 अक्टूबर को, जो आने वाला 2 अक्टूबर है, उसको महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। तो इस अवसर पर भाप संचालित एक ट्रेन चलने वाली है, वो चलने वाली है अहमदाबाद से साबरमती। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो यह की गई है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी यह बैठक है। अब इसके जो आयोजन किया है, यह किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री हैं मेनका गांधी, ये आप जानते हैं, और जिसकी अध्यक्षता की है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार उन्होंने। आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, कि जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो बड़ा डिस्कशन हुआ है वह क्या हुआ, एक बड़ा बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जो अब आने वाले जो सितंबर माह होगा, हर साल जो इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, और जो ये पोषण अभियान है यह शुरू किया गया था राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के से यहाँ पर जो हमारे पीएम मोदी हैं, इन्होंने 8 मार्च 2018 को इसे शुरू किया था, और जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है भारत में जो कुपोषण है उसका अंत करना। और इस योजना के लिए भारत ने $200 मिलियन का लोन लिया है आपके वर्ल्ड बैंक से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने इसको समाप्त कर दिया है। पहले यह देती थी अपने राज्य में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इसने इसको समाप्त कर दिया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो कि क्या हैं उत्तराखंड के ही मूल हैं। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स अगर बात की जाए, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने क्या कर दिया है, अब जो अपना बेरोजगारी भत्ता है उसको व्यापक रूप से अपने राज्य में लागू कर दिया है, और प्रत्येक बेरोजगार को वहाँ पर 1000 रुपीज़ पर मंथ वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो 25 से 27 जुलाई 2018 को ब्रिक्स देशों की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है। तो 25 से 27 जुलाई को अभी हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन, वो हो रहा है कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग एक शहर है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो यहाँ पर यह आयोजन हो रहा है। अब ये ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स है यह 5 देशों का संगठन है, जिसमें कि ब्रिक्स से बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका।
का। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिक है उसमें लास्ट में कौन सा देश जोड़ा गया, तो वह जोड़ा गया है साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक था लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो इसलिए ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है दोस्तों, और इसके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आठवां इसका सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वह गोवा में हुआ था 2016 में, भारत में ही हुआ था, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप जरूर में ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, वे भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं, और इसी के साथ ये तीन देशों के यहाँ पर तीन देशों में गए हैं, जो कि जो देश हैं साउथ अफ्रीका में तो अभी हैं, लेकिन वो रवांडा और युगांडा की दौरे से आ गए हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने रवांडा के जो आर्थिक विकास है उसके लिए वहाँ पर 20 करोड़ डॉलर का वहाँ पर ऋण देने की घोषणा की है। अगर यहाँ पर एक दो तीन पॉइंट कुछ और हैं, उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो रवांडा है उसके साथ हमारे देश ने किए हैं 8 समझौतों पर हस्ताक्षर, जबकि जो युगांडा है उसकी साथ 4 समझौतों पर क्या हुआ है हस्ताक्षर किए हैं पीएम मोदी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी अगस्त माह से भारत में काम करना बंद कर देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं। तो जो ईबे कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, शायद आपने शॉपिंग्स भी यहाँ से की होंगी, तो जो ये ईबे कंपनी है अब यह भारत में काम नहीं करेगी और अगस्त महीने से यह भारत में काम करना बंद कर देगी। तो वह कंपनी है ईबे कंपनी, तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, जिसके सीईओ जो हैं वे हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, और जो ये फ्लिपकार्ट कंपनी है वो अब वॉलमार्ट जो कंपनी है उसने उसको खरीद दिया है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस तारीख के बाद भारत में केवल BS6 वाहनों की बिक्री की जाएगी। तो BS6 वाहनों की बिक्री जो की जाएगी वह की जाएगी 1 अप्रैल 2020 के बाद से। ये BS6 है ये क्या है हम ये बता देते हैं। तो ये BS जो है वह है भारत स्टेज। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक यह क्या है मानक है, जिसमें कि यह शुरुआत हुआ था 2000 से। ठीक है, सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय BS1 की गुणवत्ता के वहाँ पर वाहन होते थे वाहन। तो अब इनको क्या दिया जाता है, कैटेगरी दी जाती है। तो अब क्या है कि जो जैसे ही इनकी गुणवत्ता बढ़ती है तो वैसे इनको नंबरिंग दी जाती है BS1, 2, 3, 4। तो अभी वर्तमान में 4 या 5 की जो है यहाँ पर BS की वाहन चल रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद क्या होने वाला है कि BS6 के वाहनों की ही बिक्री की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा उपयोग करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक राज्य है वह अक्षय ऊर्जा को उपयोग करने में जो पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक राज्य, और दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु राज्य। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को अपने झंडे को बदलने की मांग की है। तो आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है और जो न्यूजीलैंड है, इन दोनों देशों के क्या हैं झंडे लगभग समान हैं, आप देख पा रहे हैं चित्र में। तो अभी न्यूजीलैंड ने मांग की है ऑस्ट्रेलिया से कि वो अपने झंडे को बदल दें, तो ये मांग है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको यूज़फुल लगे हैं तो आप ज़रूर उनको लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की। हमारे डेली मॉर्निंग डोज का यहाँ पर 27वीं वीडियो है और इसका जो पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह कितने पेंशन देने का प्रावधान है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हो, तो उम्मीद है कि आपने भी अपने हाथ पर पेन और कॉपी रख दिया होगा और अपने को आप मार्क्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपने दे दिया है, तो वह सही आंसर क्या है बताइए। तो वह सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये जो पेंशन है वह है उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपके किसान प्रोत्साहन योजना के तहत, जो कि प्रतिमाह किसानों को दी जाती है। ठीक है, तो यह जो योजना है वह अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई थी और जो इसमें 2 हेक्टेयर भूमि से अधिक जो जिसके पास जो खेती होती है उन किसानों को इस पेंशन योजना से लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है जसपाल राणा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या फिर हरिद्वार। तो यह जो इंस्टीट्यूशन है वह है आपके देहरादून में। ठीक है दोस्तों, जो जसपाल राणा थे उनके बारे में आप जानते हैं, इनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व प्रसंग पुस्तक के लेखक हैं
नाम है पुस्तक का पुरातत्व प्रसंग। तो आपके लिए ऑप्शन है प्रोफेसर नारायण पुरोहित, डॉक्टर सतीश चंद्र काला, बृजमोहन पांडे, मोहन सिंह। तो पुरातत्व प्रसंग जो पुस्तक लिखी है वह लिखी है बृजमोहन पांडे जी ने। जो ये हैं ये आपका जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका उसके निदेशालय हैं, देहरादून में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके निदेशक हैं बृजमोहन पांडे जी। अगला प्रश्न है जयनंद भारती का ग्रह जनपद है। जयनंद भारती की जी के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने जो डोला पाल के आंदोलन चलाया था 1881 में, ठीक है। तो इनका जो ग्रह है, ग्रह जनपद है वह कौन सा है आपको बताना है, चमोली, टिहरी, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो ये संबंधित है आपके पौड़ी जनपद से, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में किन शासकों की चार मुद्राएँ मिली हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में मिली हैं चार मुद्राएं, तो वे किन शासकों की मिली हैं, चंद शासक, कुणिन शासक, कत्यूरी शासक या फिर पवार। तो जो ये मुद्राएं मिली हैं ये मिली हैं किसकी, कुणिंद शासकों की, ठीक है। क्योंकि इन जो मुद्राओं पर जो कुणिंद नरेश थे उनके नाम अंकित थे, तो इसलिए पता चलता है कि ये जो मुद्राएं हैं ये हैं कुणिंद शासकों की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस जनजाति की सामान्य बोलचाल की भाषा मुंडा है, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना है कि किन की भाषा है मुंडा। ऑप्शन है थारू, बोक्सा, राजी या फिर भोटिया। तो जो राजी जनजाति है, ठीक है, इनकी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वह है मुंडा। राजी जनजाति के लोगों को बनरौत भी बोलते हैं, ठीक है, बनरौत, ठीक है। और जो ये मुख्य रूप से ये रहते हैं पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। अगला प्रश्न है अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है, ये है खिलाड़ी। तो ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, क्रिकेट से संबंधित हैं, तैराकी, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो अरुण जखमोला जो संबंधित हैं वे हैं वॉलीबॉल से, ठीक है। ये उत्तराखंड के आपके पौड़ी जनपद से संबंधित हैं अरुण जखमोला। अगला प्रश्न है दीप जोशी को किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीप जोशी जी हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपके पास है पर्यावरण, सामाजिक और सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जल संसाधन या फिर साहित्य। तो इनको सामाजिकता के क्षेत्र में मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है वर्मी बुग्याल किस तीर्थ के निकट स्थित है। बात हो रही है वर्मी नामक बुग्याल की। तो ऑप्शन आपके लिए है रुद्रनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। तो वर्मी जो बुग्याल है वह स्थित है रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ जो मंदिर है उसके निकट यह स्थित है। रुद्रनाथ जो है वह चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रशिला स्थित है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो चंद्रशिला कहाँ स्थित है आपको बताना है, तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में, कल्पेश्वर में या फिर केदारनाथ में। तो दोस्तों आपने सही आंसर पे टिक कर लिया होगा उम्मीद है। तो जो सही आंसर है वह है ए, तुंगनाथ में। हमने कल बताया भी था कि जो तुंगनाथ से थोड़ा और ऊपर जाने पर जो चंद्रशिला नामक स्थान है वहाँ पर यह समुद्र सतह से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर लिखा भी है। अगला प्रश्न है अर्जेंटाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, तांबा, लोहा, चांदी या फिर जस्ता। तो अर्जेंटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है, अयस्क आप जानते हैं जिसके निष्कर्षण के फलस्वरूप धातुओं की प्राप्ति होती है। तो यह किसका अयस्क है यह आपको बताना है, तांबे का, लोहे का, चांदी का या फिर जस्ते का। तो यह अयस्क है चांदी का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, Ag2S इसका फॉर्मूला है, Ag2S रासायनिक सूत्र है इसका। अगला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु किन धातुओं का मिश्रण है, ठीक है, कौन सी जो धातुएं हैं जिनसे कि पीतल बनता है। तो आपके पास ऑप्शन है जिंक एवं टिन, तांबा एवं जिंक, तांबा एवं एल्युमिनियम या फिर तांबा एवं आयरन। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, मिश्र धातुओं से रिलेटेड। जो पीतल बना होता है वो बना होता है कॉपर और जिंक से, ठीक है दोस्तों, तांबा और जिंक से ये बना हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इसमें जो 70% होता है वह तांबा होता है और 30% होता है वह जिंक होता है, ठीक है, लगभग ये है इसका
रेशियो। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फाइड का, सोडियम बेंजोएट का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का या फिर कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके संरक्षण में यूज़ होता है सोडियम बेंजोएट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है NaC7H5O2। ठीक है दोस्तों, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो जो जिप्सम का रासायनिक नाम है वह क्या है? वह है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, CaSO4 2H2O। आपको बताना है कि इस जिप्सम का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है सामान्यतः। तो इसका उपयोग हम बता दें आपको कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा नाम POP, तो इसी से ये बनता है POP। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेसा है नायलॉन, रेयॉन, जीनॉन या फिर बेकेलाइट। ठीक है, तो जो सेलुलोज से बना हुआ होता है कृत्रिम रेसा वह बना होता है, ये है रेयॉन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये क्या होता है, कपड़े और जो कालीन होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है रेयॉन का। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किस की प्रमुख रचना है? नाम है हिंद स्वराज। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना, बकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन या फिर सैयद हैदर रजा। तो जो मुस्लिम लीग बनी थी इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे वकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो जो 1906 में क्या हुआ था, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, किस देश में कॉफ़ी के बागानों को फिजेंडा कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, कनाडा। ठीक है, तो ब्राज़ील में कहते हैं कॉफ़ी के बागानों को फिजेंडा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सी ऑप्शन है यह बिल्कुल सही होगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, चाड़ झील स्थित है, झील का नाम है चाड़, तो यह कहाँ स्थित है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में। ठीक है, तो आपको बताना है, ये जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, तो जो चार नामक झील है वह स्थित है अफ्रीका में, जो सहारा मरुस्थल है उसके मध्य में यह स्थित है चार झील। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है? केरल में, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर असम में। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर को टिक करिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन होता है वह होता है कर्नाटक राज्य में, पूरे देश का 41% जो रेशम उत्पादन होता है वह होता है कर्नाटक में। ठीक है, यह जो सहतूती किस्म का यह रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करते हैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जिनके आंसर्स आप हमें हमेशा की तरह देंगे हमारे कमेंट में। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंजेपन के लिए कौन उत्तरदायी है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक या फिर नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा का संबंध है फ्रांस एवं जर्मनी, जर्मनी एवं पोलैंड, अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अमेरिका एवं कनाडा। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके लिए है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है देहरादून, कानपुर, दिल्ली या फिर नासिक। तो दोस्तों ये हैं आपके लिए 5 अभ्यास प्रश्न। ठीक है, इनके आंसर आपको देने हैं हमेशा की तरह हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए है कि
कि हमको एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें कि कहा गया है कि हमें कुछ स्पेसिफिक वीडियोस बनानी चाहिए, जो ट्रिपल सी का जो आपने अभी सुनाई होगा कि जो नेसेसरी कर दिया है आपके आयोग ने, जिसमें कि जो ट्रिपल सी है उसको करना, जो भी आप स्नातक से लेवल के जो वीडियो वीपीडियो के जो आप फॉर्म भरने वाले हो तो उसके लिए यह ज़रूरी कर दिया है ट्रिपल सी। तो यदि आप चाहें तो हम इन पर वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवाएं तो आप ज़रूर अपने हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए कि आपको ये वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आपके लिए जो हमने प्रश्न दिए थे पिछली वीडियोज़ में उनके सही आंसर थी। तो वे हैं पिछली वीडियोज़ के अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध है। राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है फुटबॉल खेल में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था। तो भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। तो जो हमारा एयरफोर्स है उसका जो अभी हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। अंतिम प्रश्न था अभ्यास के लिए अयस्क में मिले हुए अशुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तो इनको कहते हैं गैंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है जिसमें से 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं सुपर चौधरी, पंकज जोशी ने, जबकि 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं ब्रजपाल गणपति, स्वरूप सिंह बिष्ट, राहुल देव, संदीप, तनुजा पंत, अनीश मलिक, गुरदीप सिंह, गोविंद सिंह, अंकित कुमार, अपेंद्र पवार, आम प्रेस इंडिया, नीरज भोजक। और 5 प्रश्नों के जो सही उत्तर दिए हैं उनके नाम हैं दीपा धामी, महेंद्र गुप्ता, दीपक फर्तियाल, राहुल बिष्ट, मोहिनी वर्मा, मंजू ढाइला, रावत विजय। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से प्रतिक्रियाएं देने के लिए। तो इसी तरह से अपने कमेंट्स देते रहें और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।